जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको यहाँ पे कैसे आप अपने फ़ोन में कस्टम वॉलपेपर्स को जो है रख सकते हो उसका एक जो है ट्रिक बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको बस वो दोनों वॉलपेपर ही चाहिए और कोई भी थर्ड पार्टी ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है। सो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ट्रिक है, स्पेशली एप्पल जो है अपडेट जितना नया नया आ रहा है वो जो है पुराने वाले iOS वाले वॉलपेपर्स को ऑलरेडी रिमूव कर देता है और वो स्टील्स वाले सेक्शंस, वो जो है ओल्ड मेमोरीज, वो काफ़ी ज़्यादा याद भी आते हैं। सो दोस्तों उन सबको जो है आप लगा के कैसे डार्क मोड में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर सकते हो और कस्टम वॉलपेपर को कैसे आप कोई भी लगा के उसका ही डार्क मोड यूज़ कर सकते हो, सब कुछ मैं इस वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो फिर आप जो है वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मैं जो यहाँ पे अपने आईफोन 14 प्लस में ये वाला जो है iOS 15 का वॉलपेपर सिलेक्ट करने वाला हूँ एंड यूज़ करने वाला हूँ ये वाला वॉलपेपर और इसका ही डार्क वाला वर्जन। ठीक है दोस्तों, तो फिर उससे पहले फर्स्ट वाला टिप आपको क्या करना है, आपको जो है पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखना है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न यहाँ से ना हो। सबसे पहले आपको क्या करना है जो है ये वाले वॉलपेपर को सेट कर लेना है, जो भी वॉलपेपर आप चाहते हो पहले उस वाले वॉलपेपर को सेट करना है यहाँ पे अपने होम स्क्रीन और यहाँ पे लॉक स्क्रीन में। ठीक है, सबसे पहले आपको ये दोनों वॉलपेपर को यहाँ से सेट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, मैंने ये दोनों वॉलपेपर को, ये जो मुझे चाहिए सिंपली मैंने इन दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। दोस्तों ये जो है मैं लेटेस्ट ट्रिक के ऊपर बता रहा हूँ जो भी iOS 18 के डिवाइसेस है उनके लिए, और बाकी जो है डिवाइसेस जिनके पास वो नहीं है 16 वाला पुराना है उनके लिए भी अगर कमेंट करोगे तो फिर उन लोगों के लिए भी ये वाला टिप आ जाएगा। सिंपली जितने भी रेस्ट वाले वॉलपेपर हैं सबको आपको डिलीट करना है। सिर्फ दोनों दोस्तों आप लोगों को ये दो वॉलपेपर ही रखना है अभी, ठीक है अभी के लिए, क्योंकि आप जो ये वाला टिप को यूज़ करने वाले हो इस कारण से। ठीक है, सो दोस्तों ये वाला वॉलपेपर मैंने सेट कर लिया है अभी। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ से, सबसे पहले मुझे जाना है अपने शॉर्टकट वाले एप्लीकेशन पे। ठीक है, मैं यहाँ पे अपने शॉर्टकट वाले एप्लीकेशन पे आ चुका हूँ। आने के बाद आपको यहाँ पे प्लस वाला आइकॉन पे टैप करना है। प्लस वाला आइकॉन पे टैप करने के बाद ऐड एक्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वॉलपेपर लिखना है। ठीक है, वॉलपेपर लिखने के बाद आपको यहाँ पे गेट ऑल वॉलपेपर्स पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये फर्स्ट वाले हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अगेन एक बार से आपको यहाँ से प्ले वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है ताकि ये जो है दोनों वॉलपेपर आपको पता चल जाए कौन कौन से हैं, ये देख सकते हो। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, सिंपली आपको अगेन सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे लिखना है गेट लिस्ट करके यहाँ पे लिखना है, सॉरी गेट आइटम लिस्ट। ठीक है, ये देख सकते हो स्क्रिप्टिंग के नीचे आपको यहाँ से लिखा हुआ मिलेगा गेट आइटम फ्रॉम लिस्ट करके यहाँ से लिखा हुआ है। सिंपली इसे जो है सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होता है, अब आपको यहाँ पे जाना है अगेन वॉलपेपर लिखना है। वॉलपेपर लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है स्विच बिटवीन वॉलपेपर्स, ये वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होता है, सिंपली यहाँ पे एक आई बटन पे टैप करना है। आई बटन पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे और आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पे टैप करना है। होम स्क्रीन के टैप करने के बाद आपको यहाँ से जो है लोगो वगैरह चेंज कर देना है। सपोज़ मैं यहाँ पे डार्क कर देता हूँ, यहाँ पे डार्क मोड लिख के ये मैंने डार्क सिलेक्ट कर लिया एंड मैंने यहाँ से जो है टेक्स्ट को भी लिख देता हूँ डार्क करके सिर्फ। ठीक है,
डार्क के दोस्तों मेरे यहाँ पे देख सकते हो आ चुका है अभी। सिंपली मैं जब भी यहाँ से इस वाले जो है डार्क वाले को सिलेक्ट करूँगा, फर्स्टली आपको एक दो बार यहाँ से जो है टैप तो करना पड़ेगा ही ताकि आपका जो ये प्रॉपरली वर्क कर जाए। सो सिंपली आपको यहाँ से एक दो बार इसे जो है टैप करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका ये वाला ट्रिक जो है प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है और ये जो है आपको जब आप क्लिक करते हो तो फिर ये जो है इंस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं देता है कुछ इस टाइप से। सो मैंने भी अभी अभी फेस किया था इस वाले इशू को, आप नोटिस कर सकते हो। सो अभी आपको क्या करना है, अगेन आपको यहाँ पे शॉर्टकट पे चले जाना है। शॉर्टकट पे चले जाने के बाद उसी शॉर्टकट को लॉन्ग प्रेस करके एडिट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। करने के बाद आपको जो है गेट फर्स्ट आइटम फ्रॉम वॉलपेपर ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको फर्स्ट आइटम के ऊपर यहाँ से इसको क्लिक करके आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे रैंडम आइटम पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद डन कर देना है एंड देन आपको बैक पे आना है। ठीक है, बैक आने के बाद आपको क्या करना है, डबल प्रेस इस वाले डार्क वाले बटन को कर देना है। हर बार जब आप डबल प्रेस करोगे तब जो ये आपका सक्सेसफुली वर्क करने लगता है। ये देख सकते हो डार्क वाले मोड से यहाँ पे लाइट वाले मोड पे आ रहा है। तो फिर दोस्तों यही था कुछ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो फिर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। बाय बाय।